नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो कंपनीज के बारे में जानकारी मिलेगा जो कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ा सा पॉजिटिव में भी है और कुछ कंपनीज के सिचुएशन थोड़ा सा खराब भी है। तो अभी मार्केट जिस तरीके से नेगेटिव रिएक्ट करता है, मतलब कर रहा है लास्ट वीक से, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा ग्रुप के एक पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के सबसे जो मेन बिजनेस है वो है देखा जाए तो स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर, और वो भी देखिए एक चेन सिस्टम के माध्यम से कंपनी काम करते हैं। अभी चेन सिस्टम क्या है, देखिए खुद ही मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं और उसके बाद उसको बेचते भी है। तो इसका मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स खुद ही बना लेते हैं, मतलब दूसरों के पास वो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदारी नहीं करता है। वो खुद माइनिंग कर लिए, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिए, खुद प्रोसेसिंग भी कर लिया और उसके बाद खुद बेच भी दिया। तो एक चेन सिस्टम के माध्यम से कंपनी के बिजनेस चलते हैं और इसी के लिए टाटा स्टील इतने दिनों तक एक बेस्ट परफॉर्मेंस देके आया है, जिसके लिए इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुके हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील के ऊपर आपको एक बात याद रखना होगा, टाटा स्टील में आपको बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ आप सडनली आपको चाहिए तो इस तरीके से कंपनी ये है नहीं, क्योंकि आपको धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा रिटर्न देने का कोशिश करेंगे। और टाटा स्टील के ऊपर जब स्प्लिट का अनाउंसमेंट आया था और शेयर प्राइस स्प्लिट होने के बाद इसका फेस वैल्यू ₹1 बन गया था, तब इसका प्राइस 100 के नीचे भी चले गए थे और उसके बाद देखिए धीरे धीरे कंपनी फिर से रिकवरी भी कर रहा है। अब इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो तो देखिए चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से सीनारियो देखने को मिला। टाटा स्टील के ऊपर एक पैटर्न बना था, एक शोल्डर कम हेड जैसा पैटर्न बना था और फाइनली वो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। मैंने आपको ये भी बताया जब रिट्रेसमेंट किया इस रेंज में, जब रिट्रेसमेंट किया तब मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे एंट्री लेने का मकसद दो था। पहली बात, मुझे सस्ते दामों में शेयर को मिला और दूसरी बात कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तीसरी बात, कंपनी के जो टारगेट बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्री बना और उसका जो टारगेट बन रहा है वो कुछ इस लेवल में है 147 के आसपास। ये टारगेट जो लेवल बन रहा है कंपनी के ही लाइफ टाइम हाई के आसपास। यहाँ पे देखिए अगर आप साइड में जाए तो दो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंट मिलेगा, फर्स्ट यहाँ पे एक्चुअली दो नहीं तीन मिलेगा, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी कहूंगा, क्योंकि इसी रेंज को टच करने के बाद कंपनी ने एक बिग क्रैश दिखाया। इसका मतलब जब जब कुछ इसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगा, इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा तो आपको याद रखना है उसी के आसपास जाने के बाद एक करेक्शन जरूर दिखाएगा। अभी देखिए मार्केट नेगेटिव में है तो उस सिचुएशन में शेयर के ऊपर भी करेक्शन तो देखने को मिल ही जाएगा, तो इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। और अभी यही जो लेवल है यहाँ पे जो 200 डेज का जो ईएमए है, इस ईएमए को टच करने के लिए आ रहा है। तो 200 डेज ईएमए बहुत स्ट्रांग होता है, उस लेवल को अगर टच करके रिवर्सल करे तो फिर से वो वापस जा सकते हैं। अगर इसको डाउन, मतलब इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट के लिए इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तब जरूर बैठे रहिए। और मैंने यहाँ पे ट्रेड किस लिए लिया, दो कारण के वजह से। कंपनी के जो परफॉर्मेंस है अगर देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स तो ठीक ठाक ही है, एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ था। अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा 13 अक्टूबर में। तो 13 अक्टूबर में कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और उस दिन रिजल्ट अच्छा खासा आने के बाद कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला कि मार्केट के ऊपर एक बाइंग ट्रेंड क्रिएट हुआ। तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज के कंपनी के जो डिलीवरी का डेटा है वो डेटा दिखा दूं तो करीबन 40 से 50% के आसपास कंटिन्यूसली यहाँ पे डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिले है। तो इसका मतलब डिलीवरी अच्छा खासा यहाँ पे उठाया जा रहा है और इसी डिलीवरी के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अपट्रेंड जैसा मोमेंटम देखने को मिला है। अभी टाटा स्टील में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, अभी देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है इंस्टीट्यूशन में डीएस ने क्या क्या खुद का जो होल्डिंग है
जो 20.96% का आसपास होल्डिंग देखने को मिला, वो होल्डिंग्स को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं और कितना कर चुके हैं, 22.20 के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे होल्डिंग्स को अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा चुके हैं और पब्लिक भी खुद को स्टेक को कुछ हद तक कम गया है, छोटे मोटे स्टेक को यहाँ पे उन्होंने बेचा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा थोड़ा सा कम हुआ और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कंपनी हाइस्ट पैसा इस बार बिजनेस के ऊपर लगा कर रखे है, तो इसलिए एक पॉजिटिविटी ट्रेड तो बनता ही है, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। और बाकी आपके कुछ अलग राय हो सकते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है याशो इंडस्ट्रीज। देखिए, याशो इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ है और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है और आगे आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल भी है। कंपनी का आरओसी आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, पी रेशियो ठीक है, इनकम भी अच्छा है। हाँ, कंपनी का डेप्थ ज्यादा है। अभी कर्जा क्यों लिया गया वो पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का इस बार प्रॉफिट कितना हुआ, 64 करोड़। तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स से देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चला जा रहा है और कंपनी 64 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी इस तरीके से प्रॉफिट होने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा उस बेसिस में देखा जाए, कंपनी में जो ग्रोथ है उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, आप एक चीज ध्यान देना, कंपनी का जो रिजर्व है वो तो बढ़ता चला गया, उसी के हिसाब से कंपनी का मतलब बोरिंग्स भी बढ़ा, कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जा जो बढ़ा वो देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए सेम टू सेम पैसा लगा के रख चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इसी टाइम में लगा मतलब यहाँ पे लगा चुके हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर एज ए फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो फिक्स्ड एसेट देखिए, कंपनी का लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब के लिए कंपनी क्या कर रहा है, खुद की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट में देखिए धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदारी है उसको बढ़ा रहा है। इसका मतलब प्रोजेक्ट कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ रहा है। अभी यही चीज को मैं यहाँ पे कंपनी के आधा एसेट के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड कितना रिसीव हुआ, 109 करोड़, और कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 64 करोड़। तो 64 करोड़ का प्रॉफिट और 109 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट, तो बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा? तो बाकी पैसा कंपनी को यहाँ पे कर्जे के हिसाब से लेना पड़ा, तो इसी के वजह से कंपनी कर्जा लिया खुद को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और यशो इंडस्ट्रीज के ऊपर एक ही बात कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर के बाद आपको पब्लिक ही दिखेगा, बाकी कोई इन्वेस्टर नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर कंपनी में क्या कुछ खराबी है? देखिए, कंपनी में खराबी नहीं है, कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 2000 करोड़ के आसपास, और केमिकल इंडस्ट्रीज के हालत तो बिगड़ते जा रहे हैं और इस कंपनी के हालत एक प्रेशराइज में है क्योंकि यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्री में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। देखिए, अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्री तो ठीक ठाक है, यूरोप कंट्रीज में सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं जिसके चलते स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए, डिलीवरी के डेटा के हिसाब से दिखा दूं तो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हो रहा है, तो कोई छोटे मोटे बाइंग नहीं है, करीबन 70% to 60% to 70% के आसपास बाइंग ट्रेड देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए जब से लिस्टिंग हुआ तब से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, अभी तक फिलहाल के लिए कोई नया ट्रेड नहीं बना, कोई नया कुछ ग्रोथ नहीं दिखा, तो उस हिसाब से आपको ये बात याद रखना है कि कंपनी के जो जो सिचुएशन है, कंपनी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी में जो ग्रोथ होने का चांसेस है, उस ग्रोथ होने का चांसेस में आपको मैं एक चीज बता दूं, कंपनी का जो ग्रोथ होने का चांसेस है बहुत ज्यादा है। हाँ, टाइम लग सकता है क्योंकि सेक्टर सेक्टर तो बहुत पुराना है मगर कंपनी नया है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं जरूर कहूंगा फिलहाल के लिए तो मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है क्योंकि मैं सिचुएशन को थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा कोई पैटर्न क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद मैं जरूर कहूंगा कि कौन से लेवल में खुद में एंट्री लेने वाला हूँ। तो इसके ऊपर वॉच करिए, फोकस रखिए, मैं फोकस रखा हूँ तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर ऐसे यूनिट इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कंपनी में दम है, कंपनी के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सिएट लिमिटेड। देखिए, सिएट इंडिया के एक पॉपुलर टायर मेकिंग कंपनी है। देखिए, टायर मेकिंग कंपनी में एक वीकनेस हमेशा होता है, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस टाइम में टायर मेकिंग कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलता है।
अगर मैं क्रूड ऑयल के प्राइस के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, तो वन डे के चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का क्रूड ऑयल का प्राइस जो गिर रहा था वो फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब देखिए, कभी भी किसी कंट्रीज के साथ युद्ध अगर स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे ग्लोबली मार्केट के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होता है, तब दोनों चीज दोनों प्रोडक्ट का दाम सबसे पहले बढ़ जाते हैं, पहले तो क्रूड ऑयल का और दूसरा है गोल्ड का। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही केमिकल इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ देखा जाए तो पेंट इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ टायर बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो टायर बनाने वाला सीट जो है, इसके ऊपर कितना ग्रोथ और पोटेंशियल है जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए, कंपनी की सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी बहुत सारे कस्टमर है, बड़े से बड़े दिग्गज कस्टमर है, जहाँ पे मारुति हो गया, जहाँ पे आप देखेंगे टाटा हो गया, अशोक लेलन हो गया, उसके साथ साथ देखा जाए तो मतलब रॉयल एनफील्ड वो भी इसका कस्टमर है, मतलब आईचर मोटर ये भी इसका कस्टमर है, साथ ही साथ देखा जाए तो बजाज, टीवीएस, टीवीएस नहीं इसका कस्टमर नहीं है, टीवीएस खुद का टायर यूज करते हैं, तो बजाज है, उसके साथ साथ हीरो मोटो को है वो भी सीएट का टायर यूज करते हैं, और रॉयल एनफील्ड तो यूज करते ही है। उसके साथ साथ फोर व्हीलर्स मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है उसके बारे में बात करूँ तो टाटा हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो हुंडई हो गया, होंडा हो गया, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मारुति जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। तो इस तरीके से कस्टमर लेकर वो चल रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। जैसे कंपनी का डेप थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मगर कंपनी के इनकम ठीक है, कंपनी का आरओसी आरओई में थोड़ा सा वीकनेस है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, कंपनी का प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी सबसे बड़ी बात है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो सेल्स अलग लेवल का ग्रोथ हुआ कंटिन्यूअसली, यहाँ पे सेल्स क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ होता चला गया, तो सेल्स अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जो पिछले साल का प्रॉफिटेबिलिटी था आप देखेंगे सितंबर में पिछले साल में कितना सेल्स था, 2800 करोड़, इस बार कितना है 3000 करोड़, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी फर्क कहाँ पे दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्क दिखा प्रॉफिट एंड लॉस में। पिछले बार से 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार कितना, 208 करोड़। इसका मतलब कंपनी में एक धमाका होने के लिए कंपनी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट भी किए और कंपनी इस बार खुद के अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किए। अभी कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, उस हिसाब से कर्जा भी बढ़ रहा है, और कंपनी के देखिए फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कंटिन्यूअसली हर साल में पैसा लगाते जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर इसका लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए थोड़ा सा सेल डाउन मत सॉरी थोड़ा सा वॉल्यूम जो था डिलीवरी क्वांटिटी ऐड करने का, वो डिलीवरी का जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा वीकनेस हो गया था, फिर से देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है, क्योंकि 40 से 50% का हो रहा था, बीच में 23% भी हो गए थे, अभी फिर से वो 40% तक आ चुके हैं। इसका मतलब धीरे धीरे करके डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, तो मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे क्या बना था कफ, उसके बाद कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था, फाइनली यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और मैंने आपको वीडियो बना के शेयर भी किया था। और देखिए उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और भी नीचे आया, फिर भी जब इस लेवल को टच किया फिर से मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से वो रिकवरी किए हैं और इस रेंज के ऊपर वो ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट देंगे, और देखिए शानदार तरीके से टारगेट दिया। और हाँ, टाइम तो लिया, कितना टाइम लिया, अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 237 डेज लगा, और 237 डेज मतलब एक साल भी नहीं हुआ, एक साल में आपको 45% के आसपास रिटर्न दिया, क्या इसमें कम लगा आपको, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, और इसी तरीके से मैं बेस्ट एंटी जब बनता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से कंटेंट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो देखिए मेरे वीडियो हमेशा एज ए एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, किसी क्योंकि काम अब करना है तो आपके खुद के एनालिसिस के हिसाब से, खुद के रिस्क के मैनेज करने के हिसाब से काम करिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों से देखिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है, कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा लेवल जंप यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस तरीके से जंप क्यों हुआ उसके पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी के ऊपर जब भी कोई बोनस स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट आ जाते हैं
तब शेयर में एक तेजी देखने को मिल जाता है। अभी कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया वो सबसे पहले दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं स्प्लिट देने का। तो कंपनी स्प्लिट कितने देने वाला है, हर एक शेयर के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।